उत्तराखंड ग्लेशियर तबाही में शिवपुरी के 4 युवक लापता। उत्तराखंड में ग्लेशियर तबाही के दौरान लापता कुछ लोगों में शिवपुरी के 4 युवक भी लापता हो गए हैं। इसकी पुष्टि तब हुई जब जिस कंपनी के लिए ये 4 युवक ऋषिकेश पावर पॉइंट में काम कर रहे थे, उस कंपनी ने परिवारजनों को दस्तावेज लेकर देहरादून बुलाया। बता दें कि यह 4 शिवपुरी जिले के नरबर के 2 ग्रामों के रहने वाले हैं जो ऋषिकेश पावर पॉइंट के निर्माण कार्य में जुटे हुए थे, जिनका कोई सुराग न लगने के बाद परिवारजन फिक्रमंद हो गए। परिवारजनों के अनुसार भानु प्रताप सिकरवाल और चचेरा भाई गजेंद्र यादव पबैया, सोनू नरवरिया और राकेश नरवरिया चमोली के प्लांट में बेल्डर थे। देहरादून से कंपनी के फोन आने के बाद परिवारजन चमोली रवाना हो गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में चमोली अंतर्गत जहां कल ग्लेशियर टूटकर तबाही लाया, वहीं ऋषिकेश पावर पॉइंट तैयार किया जा रहा था। अचानक आए सैलाब में करोड़ों का यहां प्लांट बह गया, कई मजदूर भी बहने की खबर मिली थी। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा बिजन सिंह पवैया। अच्छा भाई साहब, जो उत्तराखंड में जो हादसा हुआ है, तो उसमें आपके कौन थे? एक हमारा मामा का लड़का था। अच्छा, क्या नाम था? भानु चक्रवाल। और कौन था साथ में? और एक हमारा ताऊ का लड़का था, गजेंद्र सिंह पवैया। अच्छा जी, और कुछ नरबर के लड़के भी थे? नरबर के लड़के थे। अच्छा, कब से गए थे जी यहाँ नौकरी पे? दीपावली के बाद चले गए। अच्छा, तो अभी कोई ऐसी कोई खबर आई है आपके पास वहाँ से? कैसी क्या आई है? फोन आ रहा है कंपनी के, वहाँ पे हादसा हुआ है। अच्छा, उसमें हादसा हुआ है। तो ये मिसिंग है, मतलब ये मिसिंग है अभी यहाँ। अच्छा जी, ठीक है भाई साहब। हाँ भाई साहब, जो उत्तराखंड में जो हादसा हुआ है, तो आपके कौन लगते थे? भाई था अपना छोटा। अच्छा, क्या नाम था? भानु। और कौन था साथ में? एक जो अपने फूफा जी का लड़का था, गजेंद्र सिंह। अच्छा जी, और साथ में कुछ नरवर के लड़के भी बता रहे थे? 2 नरवर के हैं। अच्छा जी, तो ये कब से गए थे यहाँ पर नौकरी करने के लिए? दीपावली के बाद चले गए थे। अच्छा, जब से आई नहीं है छुट्टी पे? नहीं नहीं। अच्छा जी, और बताओ आप, क्या सेवा की जाए आपकी यहाँ से, मतलब कंपनी तरफ से, इनकी तरफ से? कंपनी भेज रहे हैं, गए तो। अच्छा, आपके सदस्य कुछ निकल गए? हाँ, भाई निकल गया छोटा। अच्छा, कौन सी कंपनी थी? होम मेटल्स। होम मेटल। अच्छा जी, ठीक है भाई साहब।